पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कर्मचारी नेता और बड़ी संख्या में कर्मचारी मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव और जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार राय ने बताया कि कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के प्रति कार्रवाई न होने से काफी आक्रोश व्याप्त है। विभिन्न मांगों के निस्तारण के लिए गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव, उपाध्यक्ष विनोद कुमार राय, मंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा, हम पीडब्ल्यूडी नियमित कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। 11 सूत्री मांग पत्र है। हम लोगों ने तमाम अशासकीय स्तर की मांगे हैं, जो अशासकीय स्तर से कई चक्कर हमने वार्ता किया, मांग किया, लिखित में मिला, आश्वासन मिला, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं। मैंने मुख्यमंत्री के सामने वार्ता किया, उन्होंने कहा कि सब मांगे आपको मिल जाएगी, वो मांगे अब तक नहीं मिली। जैसे हमारी प्रमोशन है कर्मचारियों का, हमारे कर्मचारी ए सी पी है, हमारे कर्मचारियों का छात्रवृत्ति है, तमाम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो शासनादेश निर्गत है, शासन के निहित है, तमाम मांगदेव को मिलना चाहिए, लेकिन आज तक अधिकारी अपने जो इनका खुद का अधिकार क्षेत्र में आता है उस चीज़ों को नहीं देते हैं, जबकि इनके देने से ये तमाम समस्याएँ छोटी समस्याएँ तत्काल समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारी मांगों को नहीं देते। इसके कर्मचारी अपने में संगठन से निर्णय लिया कि हम मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरना देंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मिलती है तब तक हम वापस नहीं जाएंगे।